अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ग्रीन मसाला चाप, जो बहुत ही मज़े की और डिलीशियस बनती है और इजी भी है रेसिपी। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हम लेंगे मटन चाप 1 किलो, धनिया की 1 छुड़ी लेंगे, लाल मिर्च पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, 2 नींबू, 3 हरी मिर्च, हल्दी पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन की पेस्ट लिया हमने 4 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया हमने 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया जीरा पाउडर लिया 3 टेबल स्पून और कुछ खड़े मसाले और ऑयल। अब एक प्रेशर कुकर में हम चाप को डाल देंगे। हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और कुछ खड़े मसाले बाट कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार, कम या ज्यादा आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और 1 टेबल स्पून ऑयल। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक ग्लास पानी ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर को हम ढक के 5 सीटी बजने तक कुक कर देंगे। अब एक मिक्सी की जार में हम सारा धनिया जो हमारा है वो ऐड कर देंगे और 3 हरी मिर्च और 1/2 ग्लास हम पानी ऐड करके इसकी स्मूथ पेस्ट रेडी कर देंगे। अब हमारी पेस्ट रेडी है। 5 सीटी बजने के बाद अब हमारा चाप जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में हम 1/2 कप तेल डाल देंगे और पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। अब हम इसमें सारे हमारे मसाले जो है वो ऐड कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम मीट का जो स्टॉक है वो ऐड कर देंगे और इन मसालों को बीच बीच में चलाते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। पांच मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें चाप को ऐड कर देंगे। अब हमारी सारी चाप जो हमने ऐड कर दी, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट तक हम इसे ढक के फिर से पका लेंगे बीच बीच में चलाते हुए। आप इसे रोटी या चपाती या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अब 1-2 लेमन जूस हमने ऐड कर दिए इसमें, फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाद आप देख सकते हैं हमारे जो चाप और मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। मसाला चाप हमारे गर्मा गर्म रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।